कटिहार SSP मोहना ठाकुर को बचाने में लगा हुआ है। कटिहार DM सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जो मोहना ठाकुर अपराधी है वो घूम घूम कर इंटरव्यू और बयान दे रहा है। कटिहार का प्रशासन अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम है और बिहार का जो सरकार है वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख पे पट्टी बांध चुकी है। ये सरकार अपराध के मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। हमारी मांग है कि इस मामले में बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। देखिए आज 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बीतने के बाद जो अपराधी है मोहना ठाकुर अपराधी है वो घूम घूम कर इंटरव्यू और बयान दे रहा है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन कटिहार का प्रशासन अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम है। कटिहार DM सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कटिहार SSP मोहना ठाकुर को बचाने में लगा हुआ है और बिहार का जो सरकार है वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख पे पट्टी बांध चुकी है, मुंह पे पट्टी बांध चुकी है और कानों को पूरी तरह बंद कर चुका है। पूरी तरह से बिहार प्रशासन लाचार नजर आ रही है। इस मामले पे गरीब किसानों की हत्या हुई है, सरकार ना तो अभी तक मुआवजा देने पहुंची है, ना तो सरकार की तरफ से कोई लोग उनको आश्वासन देने पहुंचे हैं, ना सुरक्षा व्यवस्था की कोई गारंटी है, ना वहां पे अभी तक कोई प्रशासन ने जाके कोई ठोस कदम उठाया है। पूरी तरह से ये सरकार अपराध के मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। हमारी मांग है कि इस मामले में बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है मोहना ठाकुर गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे। CBI जांच की मांग आज हम लोग करने आए हैं। अगर CBI जांच नहीं होती है और मोहना ठाकुर को 72 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करने निकलेंगे। पूरा पटना विश्वविद्यालय, पूरा बिहार का लोग एकजुट होकर इस नाकारा निकम्मी सरकार के खिलाफ, हमें तो लगा था कि महागठबंधन की सरकार है, ये जिनकी हत्या हुई है कौन लोग हैं, ये वही महागठबंधन के लोग हैं जो सबसे अग्रिम पंक्ति में लाठी लेकर खड़े रहते हैं। आखिर इनके साथ भी आज अन्याय हो रहा है तो ये किसमें चुप्पी तोड़ेंगे, ये किसके लिए सरकार में बैठे हुए हैं। ये पूरी तरह से लाचार और विफल सरकार है। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, सिर्फ एक नेता पप्पू यादव ही इन लोगों के पास गए हैं जिनके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। SSP, SP और DM अगर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आप तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लेकर अभी आपने पुतला दहन? देखिए, बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है तो बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ही है और हम लोग ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछेंगे। DC की कोई वैल्यू नहीं है, DC की औकात तो हमको समझ में आ रही है। आज जब न्याय नहीं मिल रहा है, उनके समाज के लोग थे, उनके पार्टी के मजबूत कोर वोटर थे, हमने तो उनके औकात जान ली कि उनके औकात क्या है, तो स्पष्ट है ये न्याय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं दिलवा पाएंगे हम लोग मारने को तैयार हैं। लेकिन गरीब वंचितों पे जिस तरह से नरसंहार हुआ इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं है। सबका आना चाहिए, पीछे जाओ।